ये मम्मी रो रही है बेचारी। अरे रोते रहती है। तो अलविदा लेते हैं हम नैना जी से। बाय बाय, छुट्टी में मिलते हैं। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फाइनली अब आज जाने का टाइम आ गया है, तो मेरी छुट्टी हो गई कंप्लीट। तो मैं आज निकल रहा हूँ घर से। तो हम लोगों ने बस बुक कर रखी, तो जिसमें आए थे हम उसी में रिटर्न जा रहे हैं। तो कल सुबह तो गाइस नाउ वी आर रेडी, बैग रेडी और सब लोग तैयार है हमें भेजने के लिए। तो ये मम्मी, मम्मी टीका बनाएगी। यह है सागर, मीसू, नेहा। तो जाते हैं हम। तो हम लोगों ने टनकपुर से बस बुक की हुई है, तो हम लोग बस से जाएंगे। जिससे आए थे उसी से रिटर्न जाएंगे, क्योंकि उसमें ठीक लगा हमें जाना। तो सब लोग उसी में जाएंगे और मैं रेडी हो गया हूँ। तो चलो चलते हैं। हो गई जाने की तैयारी। बैग में टीका विका लगा दिया। अंकल भी आ रखे हैं हमें मिलने, और सब लोग रेडी हैं अलविदा कहने के लिए। मम्मी है, नेहा है, हमारे पापा भी हैं साइड में, नन्नू को लेके खड़े हैं। तो चलो चलते हैं फिर, अब मिलते हैं अगली छुट्टी में। हमें कह दिया एक वीडियो मेरे साथ भी बना दे। ठीक सही, बुढ़िया तो इमोशनल ले जाती है। अम्मा को मैं लेके जाऊंगा बाजार तक, बाकी लोग रहेंगे घर पे। तो चलो चलते हैं। और गाइस ये बस जा रहे हैं, इनका बैग चले गया है और ये भी तैयार है। और स्कूटी हमारी पहुंच गई है रोड पे। ये कुछ कहना चाह रही है ये यहाँ पे से। तो और अम्मा को यहाँ पे फूल चाहिए, तो दाग गया हुआ है फूल तोड़ने। आजकल हम कोई घर पे है नहीं, तो फूलों की देखो इतनी बुरी हालत हुई है, क्योंकि फूल वगैरह सब मैं ही देखती थी। बट ये इतना बुरा हुआ है, अब हम जब घर पे रहेंगे परमानेंट, तो हम इनको और अच्छे से डेकोरेट करेंगे। चलो गाइस चलते हैं हम दाको टाटा बाय करने। अभी पहले दा सबको मिल के आएंगे, उसके बाद मिलते हैं हम आपको थोड़ी सी देर पे। ये तो दा भी गया हुआ है उधर घर पे मिलने के लिए, और हम सब लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं उनका। वो रही हमारी स्कूटी। गाइस अभी दा गया हुआ है ऊपर उनकी से मिलने, वो अभी सबसे मिल के आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पे सब वेट कर रहे हैं, और अम्मा जाएगी दा के साथ स्कूटी में मार्केट तक। वो जा रही है अपने मायके। तो ये आ गए हैं सबसे मिलके। अभी यहाँ पे मिलेंगे सब लोगों से। अब जाएंगे यहाँ से मार्केट तक स्कूटी में। देखिए स्कूटी हो रही है स्टार्ट। ठीक ये मम्मी रो रही है बेचारी। अरे रोते रहती है पागल। चलो ये पापा है यहाँ पे, और ये हमारा नन्नू। देखो प्रणाम कर मामू को। दा का कॉल आ रहा है, क्योंकि उनके दोस्त लोग मार्केट में वेट कर रहे हैं अभी उनका, तो वो बस निकलने वाले हैं थोड़ी देर। देखिए सब लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, उनसे मिलने आए हैं। ये हमारी माता जी, ये हमारे पिताजी। ढूंढने मामू से मिल के आ।
मैं भी तो अच्छे से जाना नहीं, उसके अभी मूड नहीं है उसका फिलहाल। नहीं उसका अभी मूड ही नहीं है, वो कुछ नहीं करेगा अभी। बाय। चलो बाय। गए, बाय बाय। तो घर पे सबको बाय बाय बोल के मैं आ गया हूँ यहाँ एयरपोर्ट में हमारी नवीना जी से मिलने। हमारी तो देखिए मैं हूँ अभी पार्किंग एरिया में, और ये कौन है जानते हो इसको? इस बेचारी की आज छुट्टी नहीं मिली तो मैं यहीं आ गया मिलने, तो क्योंकि काफ़ी दिन से छुट्टी में थी तो इसको भी डांट पड़ी है रोज़ रोज़ कितना छुट्टी लेती है ना। तो मैं इधर ही आ गया मिलने के लिए। तो हमारी कब बस है 12:30 में, तब तक हम लोग वेट करेंगे यहीं थोड़े, नवीना जी के साथ बैठते हैं फिर चलते हैं हम। बाय बाय। ये बेचारी कल से थोड़ा गुमसुम है, कल से थोड़ा परेशान तो नहीं, थोड़ा सैड, थोड़ा अपसेट है क्योंकि मैं जा रहा हूँ अब, जॉब है, जाना तो पड़ेगा ही ना नवीना। देखो ये आ चुकी है मैं मिलने के लिए, और मिलने कितनी अच्छी जगह है हम देख रहे हो पार्किंग एरिया में क्योंकि अभी फ्लाइट आने वाली है तो इनके पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं यहीं आ गया। तो थोड़ी देर हम लोग यहाँ बैठ के यहीं बातें करते हैं, थोड़ा हाल समाचार पूछ लेते हैं नवीना जी से इनका, फिर चलते हैं। हम मुंह में घुसा दूंगा कैमरे। चलते हैं फिर घर की अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। अब मिलेंगे हम अब मिलेंगे 4 महीने बाद 5 महीने बाद कितने दिन बाद? 120 days। हाँ, इस दिन का भी हिसाब लगा दिया है कितने दिन बाद मिलेंगे तो अभी, और सब ठीक हो रहा है फिर? क्या हुआ इधर देख, तो इसे देखना सामने देख, मेरे को देख, कैमरे को नहीं, नहीं देख रही मैं अभी। ये बेचारी थोड़ा मुझे लग रहा है कि उस वाले जोन में है। हाँ? क्या हुआ? थोड़ा सा काम करके मैं ब्रेक लेके इधर आ गई हूँ इनके साथ बैठने, नीचे हम यहाँ पे बैठे हैं ढाबे में बैठे हैं। और अलविदा क्या होता है? बाय बाय। तो अभी ये जाएंगे और गाड़ी इधर ही आएगी लेने, तो तब तक थोड़ी देर हम यहाँ बैठ जाते हैं। क्या खाओगे? उसको लगी है भूख। अब 4 महीने बाद खाएंगे साथ में। अच्छा, तुम मंगाया पनीर राइस, दो टेस्ट करो। तो काफ़ी टेस्टी बनता है यहाँ पे, है ना? अच्छा अच्छा, तो इनको फटाफट से चलाते हैं, फिर इनको बोलते हैं चलो जाओ। अब 4 महीने बाद मिलेगा सवाल के साथ में बैठ के। वो यहीं आने वाला है मुझे लेने, स्कूटी यहाँ से मैं नवीना को दे दूँगा और हम यहाँ से जाएंगे टैक्सी से टनकपुर। टनकपुर से फिर हमारी बस वेट कर रही है टनकपुर में, हम जाएंगे सीधे फिर। ये तो लास्ट वीडियो है साथ में, इस सीजन की लास्ट वीडियो। इनको करते हैं हम बाय बाय, स्कूटी बैग लेके यहीं पे पहुंच गए हम लोग, और अभी इनकी गाड़ी आने वाली है, उसके बाद चलते हैं हम लोग भी अपने अपने मंजिल की ओर। कहाँ है तुम्हारी मंजिल? वेयर इज योर डेस्टिनेशन?
बताओ। तो वो गाड़ी आ चुकी है दोस्तों, हम लेते हैं अलविदा इनसे। ये सर मारी है थोड़ा, देखो क्या कह रही है नवीना, ये अपना काम करते करते हुए आई है बाहर। हाँ तो हम लोग हैं एयरपोर्ट के गेट पे, तो गाड़ी आ चुकी है, हम निकलते हैं घर को। आप जाओ काम को, आ चुकी है हमारी गड्डी। इसको कहाँ रखोगे? बैग रखते हैं डिग्गी में। रुक जा डिग्गी खोल दूँ। बाय बाय। बैग रख लेते हैं हम डिग्गी में यार। अभी बग्गू से भी बोल भी लेना ना, अचार और वो रही से अचार और वो डाल रखा है जूस। क्रीम लेके गई अपनी? हाँ क्या लेके। चलो फिर दोस्त मिलते हैं अगली छुट्टी में। बाय बाय, सी यू। तो अलविदा लेते हैं हम नवीना जी से। बाय बाय, अगली छुट्टी में मिलते हैं। ठीक है भाई, अब तो 4 महीने के हैं तो इसलिए रोइंग के नहीं हम। मेरी छुट्टी भी हो गई और आज का दिन बहुत ही ज्यादा आज का दिन बहुत ही थकान वाला था, क्योंकि आज बहुत 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 ज्यादा काम था। अभी जस्ट अभी इमरजेंसी में एक बच्चा गिर गया था, तो उससे इमरजेंसी में देहरादून लेके गए, तो बहुत सारी चीजें एम्बुलेंस वगैरह पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीजें हुई। तो अभी चलते हैं घर को, आज वो भी चले गए घर को, लेकिन उनके जाने के बाद तो अभी मैं इतना ज़्यादा बिजी हुई। अभी मुझे जस्ट 5 बजे मैं फ्री हुई हूँ अपनी डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल वगैरह कंप्लीट करके, और यहाँ पे काम भी चल ही रहा है। तो अब चलते हैं सीधे घर को।